महविश बेटा, मैंने बिरयानी दम पर रख दी है, जरा देख लेना, मैं तैयार होने जा रही हूँ। अरे अम्मी, आपको भी बहुत जल्दी है, अभी पापा की फ्लाइट लैंड होने में पूरे 2 घंटे बाकी हैं। अरे बेटा, 2 घंटे बाकी हैं, 2 साल तो बाकी नहीं है ना। अच्छा तुम भी तैयार हो जाओ, और खीर रखी हुई है डिश में, उसे फ्रिज में रख देना। अरे वाह अम्मी, वैसे आज आपने सब कुछ पापा की पसंद का बनाया है। अच्छा अच्छा मजाक कर रही हूँ। अच्छा भाईजान, आपसे तफसीली मुलाकात शाम को होगी, फिलहाल तो मुझे ऑफिस पहुंचने की जल्दी है। हाँ भाई, सबसे पहले नौकरी, लेकिन हाँ आज रात का खाना हम आपके घर खाएंगे। अपनी बेगम साहबा से कह दीजिएगा कि कोई कंजूसी से काम ना लें। भाईजान रजिया लाख कंजूस सही, लेकिन मेहमान नवाजी उस पर ख़त्म है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है तुम जाओ, शाम को मुलाकात हो। ठीक है भाई। जी, हर शौहर को अपनी बीवी में खूबियां ही नजर आती हैं। भाई किसी को आती हो या ना आती हो, हमें तो आप में बेशुमार खूबियां नजर आती हैं। अच्छी खूबियां हैं तो नजर आती हैं, रजिया की तरह थोड़ी, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। अच्छा सब बातों को छोड़ो और जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों, कहां जाना है? देखो, इतनी बड़ी गैर मुल्की करेंसी घर में रखना ठीक नहीं है। पहले इस करेंसी को लोकल करेंसी में तब्दील करना है, उसके बाद अपने अकाउंट में तमाम जमा शुदा रकम आपके अकाउंट में जमा करवाना है। मेरे अकाउंट में? मगर क्यों? बेगम साहिबा, वो इसलिए कि हम आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत सा एक मकान लेना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओहो देखो भाई, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, नेक काम में ना ज्यादा सोचना चाहिए और ना ज्यादा देर करना चाहिए। बस तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आज ये सारे काम निपटाना चाहता हूँ। तो अब आप कौन सा वापस सऊदी अरब जा रहे हैं, जो आनन फानन सारे काम इतनी जल्दी निपटाने के प्लान बनाए हुए हैं? अरे 2-4 दिन आराम कर लीजिए, बाद में देखते हैं। मैंने कहा ना कि नेक काम में ज्यादा देर नहीं करना चाहिए, आप तैयार हो जाएं जल्दी से। अच्छा बाबा, जाती हूँ, पीछे लग जाते हैं आप तो। क्या कह के गए थे भाईजान, कब तक वापस आएंगे? कुछ कह नहीं सकती चाचू, जब से पापा वापस आए रोजाना मकान की तलाश में निकल जाते हैं। क्या मकान खरीद रहे हैं? जी चाचू, लीजिए पापा भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अरे वालेकुम अस्सलाम अकबर, भाई कब आए तुम? भाईजान काफी देर हो गई। महवेश, तुमने चाचू को चाय वाय पिलाई? पापा मैंने तो चाचू को बहुत बार बोला, लेकिन चाचू ने मना कर दिया ये कहकर कि भाईजान के साथ ही पीऊंगा। मैं अभी 5 मिनट में चाय लेकर आती हूँ। शाबाश। हाँ भाई अकबर, सुनाओ सब खैरियत है? हाँ भाईजान, घर में तो सब खैरियत है। रात गए कोई एजेंसी वाले आए थे, आपके बारे में मालूमात कर रहे थे और मुझसे भी पूछ रहे थे। एजेंसी वाले? तो तुमने कुछ बताया तो नहीं? नहीं भाईजान, मैंने तो कुछ नहीं बताया। शाबाश। वो क्या है कि अगर कोई मेरा मालूम करने के लिए तुम्हारे पास आए ना, तो तुम यहाँ का पता नहीं बताना, और बल्कि तुम ये उनको यकीन दिलाने की कोशिश करना कि जैसे तुम्हारा कोई मुझसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अच्छा अकबर, ये बताओ कि तुमने अंदाज़ा लगाया है कि वो उनका ताल्लुक किस एजेंसी से है? बकौल उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने उनके हवाले गबन का कोई केस किया है, और भाईजान उनको ये गलत फहमी हो गई है कि आप सऊदी अरब में अपनी कंपनी से 5 मिलियन रियाल की खुटबुट करके पाकिस्तान भाग के आ गए।
क्या बात है अम्मी जान, आप ऐसे अपने कमरे में आकर बैठ गई। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है मेरी तबीयत को? सदियों की बीमार देख रही हैं आप, बताइए ना क्या बात है? पापा से झगड़ा हुआ? भाई मैं भी इतने सारे सवालात मत किया करो, एक तो तुम्हारे चाचू भी अभी तक बैठे हुए। जी अम्मी। देखिए भाईजान, ये मामला बहुत संगीन है। मैं तो कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से अपनी रिहाइश को शिफ्ट कर लें। और वैसे भी भाईजान, यहाँ के मोहल्ले वाले भी आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। हाँ अकबर, तुम सही कह रहे हो। मेरी तो कोशिश है कि कोई मुनासिब सा मकान मिल जाए तो मैं एक ही दिन में शिफ्ट हो जाऊँ यहाँ से। ठीक है भाईजान, मैं अब चलता हूँ, इतवार को चक्कर लगाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अरे आप अब आ रही हैं? वो आपका मालूम कर करके चला गया अकबर। आप बैठिए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, ये बैठ गए। जी फरमाइए। देखें, झूठ मत बोलिएगा, जो पूछूं मैं सच सच बताइएगा। क्या आप अपनी कंपनी से करोड़ों का गबन करके भागे? ये आपको किसने कहा? मैंने आपसे कहा ना कि जो मैं पूछ रही हूँ वो आप मुझे बताएं, झूठ मत बोलिएगा। तो क्या फर्क पड़ता है? जब इंसान ये सोचकर फैसला कर ही लेता है कि चोरी चकारी डकैती इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर बात करना ही बेकार है। अरे तब जा कहाँ रही हैं? मेरी पहले बात तो सुन लें आप। मुझे जाना कहाँ है? अरे हम मशरक की बीवियों को तो ये तालीम दी जाती है कि हर हाल में शौहर के साथ गुजारा करना है, और उनमें से एक मैं भी हूँ, मुझे भी यही तालीम दी गई थी। मगर आपने तो अपना जमीर मारकर वो काम कर दिया जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे आपके साथ कैसे गुजारा करना है, अपने जमीर को मुझे किस तरह मारना है, ये तो मैं ही जानती हूँ ना। अम्मी। हाँ क्या बात है? मैं विश सब खैरियत। अम्मी वो रजिया चाची आई हैं। रजिया इस वक्त कहाँ है वो? मैं उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाई हूँ। अच्छा ठीक है, तुम चाय पानी का पूछो, मैं आती हूँ। अम्मी जरा जल्दी आइएगा, वो बेचारी रोए जा रही हैं। हाँ हाँ मैं आती हूँ। अजय सुनते हैं, सुनिए। रजिया आई है। ये लीजिए चाची पानी, मैंने अम्मी पापा को बता दिया है आपके आने का, वो आते होंगे इतने में आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है। भाजन बस वो कह रहे थे कि जब तक असलम अंसारी सामने नहीं आता वो अकबर को कैदी बना के रखेंगे भाभी। ये पुलिस वालों का पुराना हरबा है।
भाजन वो एक नंबर है मेरे पास, आप इस पे कॉल करके देखें, इंस्पेक्टर साहब से बात करके देखें। रजिया ठीक कह रही है, आपको इन लोगों से बात तो करनी चाहिए। हाँ, लेकिन वो अगर नहीं माने तब? तब आपको उसूली और इखलाकी तौर पर पुलिस के सामने पेश होना होगा। भाई इसमें अकबर बेचारे का क्या कसूर है, वो क्यों अजाब झेले? तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लो चाय पी बेटा, चाय आगे दो। लो ठीक है, ठीक है, मैं बात करता हूँ। चाय नहीं, परेशान सब सही हो जाएगा। नहीं परेशान हो, नहीं हो। हेलो, बोल रहा हूँ, आप कौन? हेलो जी, जी मैं असलम अंसारी बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा, असलम अंसारी, बड़ी परेड कराई है जनाब आपने। लगता है आपको पता चल गया कि हमने आपके भाई को उठा लिया है। प्लीज मेरे भाई को छोड़ दीजिए। छोड़ तो हम आपको भी सकते हैं लेकिन आप हैं कि अपनी पकड़ाई नहीं दे रहे। हम तो आपसे ताबून करना चाहते हैं। आप एक काम करें, मेरे पास थाने आ जाएं। नहीं नहीं, मैं थाने नहीं आ सकता। तो फिर हम आ जाते हैं आपके गरीब खाने पे। इस बात की क्या गारंटी है कि आप मेरे साथ ताउन करेंगे? आजमाइश शर्त है और इसके अलावा कोई गारंटी नहीं। सोचिए मत जनाब, अभी ये केस मेरे हाथ में है। ऐसा ना हो किसी और के हाथ में चला जाए तो आपका बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप पता लिखिएगा। बोलिए। हाँ जी, ये गुलशन इकबाल। ओके ठीक है। ओहो रजिया, देखो बेटा रोना धोना बंद करो, अकबर आ जाएगा इंशाल्लाह, दोपहर तक आ जाएगा, तुम परेशान मत हो बेटा। लगता है वो लोग आ गए, तुम लोग अंदर जाओ। बैठो बैठो। भाभी अकबर आ तो जाएंगे ना वापस? आ जाएंगे, जरूर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आई बैठी। आप तो बिला वजह हमसे घबरा रहे थे, चलिए आपका मामला निपटाते हैं, बैठे। इंस्पेक्टर साहब, ये मामला कैसे निपटेगा? भाई जाहिर बात है, पैसों का मामला पैसों से निपटेगा। अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए दे देते हैं तो मैं अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट में लिख सकता हूँ कि आप पाकिस्तान आए नहीं बल्कि सऊदी अरब से किसी और मुल्क रवाना हो गए। इंस्पेक्टर साहब, ये 1 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम है। आप आज के करेंसी के रेट के मुताबिक आप जितने रियालों का फ्रॉड करके भागें वो करोड़ों की रकम बनती है। मैं मानती हूँ रजिया के असलम ने जो कुछ भी किया अच्छा काम नहीं किया, मैं इसीलिए तुमसे शर्मिंदा हूँ। तुम असलम की वजह से मुसीबत में आए, मुझे माफ़ करना। अरे नहीं भाभी, ऐसी बातें तो नहीं करें, आप लोग हमारे बड़े हैं, बस ये दुआ करें कि अकबर साथ खैरियत से वापस आ जाए। इंशाल्लाह आ जाए। आप ऐसा करें कि 50 लाख। ठीक है, वैसे तो 50 लाख रुपए कम है लेकिन आपकी शराफत देखते हुए मुझे ये सौदा मंजूर है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप अकबर को 2 घंटे बाद ले आइए और अपनी रकम ले जाइए। ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दें आप, मैं चलता हूँ। जी बेहतर, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, आइए। जमीला, जमीला शायद आवाज ले रहे। जी भाई, वो मुझे फौरी 50 लाख का चेक लिख दीजिए आप और बैंक मैनेजर को फोन करके बता दीजिए कि अर्जेंट डील करने के लिए हमें इस फौरी कैश की जरूरत है।
और अकबर 2 घंटे बाद आ रहा है, अब तो खुश हो? देखा, फजूल परेशान हो रही थी। अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं कह रही थी ना मैं ही परेशान हूँ, शुक्र अल्लाह। लीजिए इंस्पेक्टर साहब, ये पूरे 50 लाख है। भाभी भाभी, मैंने जो भी थोड़ी बहुत तकलीफ उठाई है वो किसी गैर के लिए थोड़ी उठाई है, अपने ही भाई के लिए उठाई है। आपको पुलिस वालों ने मारा तो नहीं ना? नहीं, पुलिस वालों ने मारा तो नहीं। हाँ, लेकिन अगर कुछ देर और भाईजान की उनसे बात ना होती तो वो लोग मार मार के मेरा भुड़कस ही निकाल देते। अल्लाह बचाए पुलिस वालों से। तो ठीक है असलम साहब, इजाज़त दीजिए। और हाँ, जितनी जल्दी हो सके अपनी रिहायशगाह का बंदोबस्त कर लीजिए दूसरी, बल्कि मेरा तो मशवरा यह है कि आप अपना शहर ही छोड़ दीजिए। ठीक है, मैं आपके मशवरे पर ज़रूर अमल करूँगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। देख अनवर, ये काम बड़ी होशियारी से करना है। तू भाईजान से पूरे 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करना और 50 लाख पे मान जाना। यार अकबर देख ले, कोई गड़बड़ ना हो जाए यार। अबे यार गड़बड़ कैसी, भाईजान वहाँ से करोड़ों रुपए का हाथ मार के आए, अब उस पर कुछ हक तो मेरा भी बनता है ना। यार अकबर ये बता कि तुझे पता कैसे चला कि तेरे भाईजान? अबे यार वो तो मुझे कभी पता नहीं चलता। अगर भाईजान को पुलिस तलाश करते करते मेरे घर तक ना आती तो? अब समझा कि तेरे दिमाग में खिचड़ी क्यों पक रही थी। चल अच्छा, अब तू समझ गया ना। अब एक काम कर, एक सिपाही का इंतजाम कर। चल अच्छा, मैं जाता हूँ। यार अकबर थोड़ी देर तो बैठ जा यार। अबे यार घर जाके तेरी भाभी को भी तो उसका किरदार बताना है। चल ठीक है।